Hi guys, this is NK Rao from Junior Studies channel. Don't mug up, try to build up rational and logical strategy. वीडियो के लास्ट में आज मैं रेलवे RRB ALP और ग्रुप डी का कुछ करंट अफेयर का क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बात करते हैं 26 दिसंबर की करंट अफेयर का। तो 26 दिसंबर के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, कहाँ पर बोगी बिल जो पुल का उद्घाटन किया है, तो कहाँ किया है जी, आप देख सकते हैं फिर बोगीबिल ब्रिज है, 42 किया है जी, पिलर्स हैं, असम में किया गया, कहाँ किया गया जी, असम में किया गया है। ये डिब्रूगढ़ और देमागढ़ को जोड़ेगा, जो अरुणाचल प्रदेश में जो मालापूर्ति है या आर्मी की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करेगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, यह सबसे लंबी रेल सड़क पुल है, यानी रेल सह सड़क पुल, इसका मतलब क्या है जी, रेल भी और सड़क भी है। ऊपर जो है 3 लेन सड़क है और नीचे क्या है जी, डबल रेलवे ट्रैक्स बनाई गई है। तो इसका लागत कितना है, 5,800 करोड़ इसका लागत है जी, और क्या है जी इसमें, चलिए आप बात करते हैं असम के बारे में, कुछ असम के बारे में जान लेते हैं जी। तो इस पुल का तो आप देख रहे हैं 5,800 है जी, असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। असम के बारे में, असम को आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका मैप है जी। असम जो है एक तरफ भूटान से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से है, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, बांग्लादेश से, मेघालय से और वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ है। तो इसलिए कह सकते हैं असम जो है 2 देश यानी बांग्लादेश और भूटान से घिरा हुआ है जी। इसका 72.19 क्या है जी, तो यहाँ पे लिटरेसी रेट है, और यहाँ का जेंडर गैप कितना है जी, तो 958 यानी 1000 पुरुष पे 958 महिला है। 26 जनवरी 1950 को यह गठन हुआ है। कैपिटल दिसपुर है, सर्बानंद सोनोवाल CM है, जगदीश मुखी इसके गवर्नर हैं। लोकसभा की 14 सीट है, राज्यसभा की 7 सीट है, विधानसभा की 26 सीट है, जिला 33 है जी। मुख्य न्यायाधीश कौन है, अजी कुटीरा सुमैया बोपन्ना है। लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहू और बंगुरुबा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क भी याद कीजिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव ओरंग, डिब्रू सुकोई नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, कौन है जी, काजीरंगा, मानस, नारंग, ओरंग, डिब्रू सुकोई और नामेरी, तो इसको आप लोग याद रखिएगा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समय देखिए, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो बात की जाए सुशासन दिवस आपको 25 दिसंबर को मनाया जाता है जी, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पहली बार बात की जाए 2014 में आपको सुशासन दिवस मनाया जाता है, यानी गुड गवर्नेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं जी, और ये गवर्नमेंट के ट्रांसपेरेंसी के लिए दिया गया है, जिसमें बताया जाता है कि गवर्नेंस जो है अच्छी है या बुरी है, इस ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया जाता है। तो कब मनाया जाता है जी, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर। चलिए क्वेश्चन 3 में बातें हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन, स्मारक सदैव अटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में किया गया है। इसका नाम है स्मारक सदैव अटल, जो सुमित्रा महाजन ने शिलान्यास करेंगी, और इस वीडियो को हम लोग लाइक रखते हैं जी 20,000 का, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ताकि इससे दूसरे को भी फायदा मिलेगा। और इस वीडियो का लाइक आपको 20,000 है, तो प्लीज़ इसको हमारे हेल्प कीजिएगा। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था जो है 126 संस्करण स्टार्ट किया है, कहाँ की है, तो पंजाब के जो LP हुए वहाँ पर किया है। इसका थीम है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक। ये आपको 1914 में फर्स्ट टाइम कोलकाता में स्टार्ट किया गया था जी, और ये 2019 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन जो है 2019 में 106वां एडिशन कहाँ करेगी, तो पंजाब ALPU जो कॉलेज है उसमें करेगी, ALPU पंजाब में करेगी। तो इस क्वेश्चन से हम लोग इतना सब सीखेंगे। बात की जाए तो पंजाब के CM कौन है जी, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है जी। गवर्नर कौन है जी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि पंजाब के गवर्नर कौन है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस देश ने अपना पहला मैसेजिंग ऐप बीच विजार्ड लॉन्च किया है,
तो तुर्कमेनिस्तान ने किया है जी, तुर्कमेनिस्तान ने क्या किया है, मैसेजिंग ऐप बीच बिजार लॉन्च किया है, जिससे क्या करेगा, इस ऐप के द्वारा मैसेजिंग, फोटो मैसेजिंग और टेक्स्ट मैसेजिंग किया जाएगा जी। छठे नंबर, कौन सा राज्य अपने राज्य से बाहर के लिए व्यापार प्रतिनिधि की नियुक्ति करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो कौन है जी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने क्या किया जी, व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है, जो देश का पहला राज्य बन गया है और अपने राज्य से बाहर किया गया है। अभी क्या किया जी, 6 प्रतिनिधि को नियुक्त किया है, जो आपको दूसरे स्टेट में है, पंजाब हरियाणा और राजस्थान में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में कितने रुपये मूल का एक स्मारक सिक्का 24 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया, तो 100 रुपये का, 100 रुपये का जो सिक्का है, इस पर अटल बिहारी वाजपेयी के याद में स्टार्ट किया जा रहा है जी। तो इसमें अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन है और डेट ऑफ भी लिखा हुआ है और जो मरण डेट है वो भी लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और फर्स्ट पेज पर क्या है, इनका एक फोटो है। किस बैंक ने कुंभ मेला 2019 के लिए 20 रुपये कार्ड लॉन्च किया, तो किसने किया जी, तो PNB ने किया है। किसने किया है, PNB किया है। एक कुंभ मेला जो होगा उसमें इसने रुपये कार्ड लॉन्च किए हैं। PNB आपको पता है कि PNB क्या है, पंजाब नेशनल बैंक जो है वही लॉन्च कर रहा है। 9 दिसंबर 2018 को फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे है, तो कौन सा देश शीर्ष पे है जी, तो बेल्जियम शीर्ष पे, उसके बाद फ्रांस है, उसके बाद ब्राजील है। बात की जाए तो फीफा रैंकिंग 2018 का विनर कौन है, तो फ्रांस है जी, याद रखिएगा। इस फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है जी, तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है जी। हाँ जी, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है इसका, तो याद रखिएगा 2018 फीफा का विनर कौन है जी, फ्रांस है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछा जाता है जी। और रैंकिंग में बेल्जियम आ गया। कौन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रूप में शामिल हुई है, कौन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में सदस्य के रूप में, तो संगीता वर्मा जो है ये आपको IAS अधिकारी है, जिसमें प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रूप में शामिल हुई है जी, संगीता वर्मा। और इसके बाद की जाए प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है जी, तो अशोक कुमार गुप्ता है। कौन है जी, अशोक कुमार गुप्ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। पीवी भारती को किस बैंक का MD और CEO बनाया गया है, अपनी प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो किसको बनाया जाएगा, इनको कॉरपोरेशन बैंक का बनाया जाएगा। अभी ये इलाहाबाद बैंक की हैं, लेकिन अब 2019 से कौन बनेगी, तो कॉरपोरेशन बैंक का ही बन जाएगी। क्वेश्चन 12 आते हैं, किसने 2018 के लिए ड्राइवर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है जी। आप इसको याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ने ड्राइवर ऑफ ड्राइवर्स का किताब जीता है जी। बात करते हैं तो लुइस हैमिल्टन जो है, उसके अलावा लुइस हैमिल्टन के बाद मैक्स वर्स्टैपन और सेबेस्टियन वेटल, ये सभी क्या है जी, ड्राइवर्स हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। कल के क्वेश्चन का बात करते हैं जी, उत्तर क्या है, तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2018 किताब किसने जीता है जी, तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का किताब किसने जीता है जी, तो श्री सैनी ने। कौन सा साइकिल दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे तेज एशियाई बन गई है, आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ताकि वो भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो RRB ग्रुप डी में आए हुए, उस करेंट अफेयर के क्वेश्चन को केवल डिस्कस करेंगे जी। मैं बता दूँ, यहाँ साइंस का क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते हैं, केवल और केवल करेंट अफेयर का ही डिस्कस करते हैं। आसाम का कैपिटल दिसपुर है। मैरी कॉम किस गेम से रिलेटेड है जी, तो बॉक्सिंग से। हृदय का फुल फॉर्म क्या है जी, हृदय जो योजना है उसका फुल फॉर्म क्या है जी, तो नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना है। क्या है जी, नेशनल हृदय सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, ये क्या है जी, जो हमारे धरोवर्स हैं उनको सुरक्षा के लिए क्या है, हृदय योजना चलाया गया है जी। बात की जाए फ्रेंच 2018 जो फ्रेंच जो ओपन टेनिस हुआ है, फ्रेंच ओपन टेनिस हुआ है, इसका विजेता कौन है, तो राफेल नडाल है 2018 का। इकोनॉमी के फादर यानी अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। त्रिपुरा में किसकी सरकार है अभी, तो BJP की सरकार है। त्रिपुरा के CM कौन है, तो बिप्लव कुमार देव है जी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है जी? जो इंडियन रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वो तमिलनाडु में है जी। सोडा वाटर जो होता है, सोडा वाटर में कौन सी गैस रहती है जी? तो CO2 गैस रहती है। वाटरलू कहाँ पे आई है जी? वाटरलू अभी हाल में कहाँ पे आई है? तो बेल्जियम में आई है जी। कहाँ पे आई है? तो बेल्जियम में आई है। सेकेंड ह्यूमन फाइटर प्लेन पायलट कौन बन गई है जी? तो सेकेंड ह्यूमन फाइटर प्लेन पायलट बन गई है भावना कांत। तो फर्स्ट कौन है जी? तो बात की जाए तो फर्स्ट कौन है जी? तो अवनी चतुर्वेदी है। फर्स्ट ह्यूमन फाइटर प्लेन पायलट कौन है? अवनी चतुर्वेदी है। और सेकेंड कौन है जी? भावना है। श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक किसने लगाया था? तो रोहित शर्मा ने लगाया था, 264 रन बनाए थे। 37वीं हॉकी चैंपियनशिप का विनर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है जी। ग्रैमी अवार्ड किससे रिलेटेड है? तो म्यूजिक से रिलेटेड है जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है जी? रंजन गोगोई हैं। सुनामी शब्द का जन्म कहाँ हुआ है जी? जापान में हुआ है। बर्थ प्लेस ऑफ अकबर, मैंने अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ जी। टाइटन किसके उपग्रह है जी? टाइटन किसका उपग्रह है? तो सैटर्न का है। मिनिमम स्पष्ट दृष्टि कितनी है जी? तो 25 सेंटीमीटर होती है। टाइगर वुड्स किस खेल से रिलेटेड है? तो टाइगर वुड्स गोल्फ से रिलेटेड है जी। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एंजॉय योर